विश्वकर्मा पूजा के दौरान भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना भगवान हो सकते हैं आपसे रुष्ट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हर साल की तरह इस बार भी हम विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार 17 सितंबर को मनाने वाले हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक सूर्य देवता 16 सितंबर को शाम में 7:29 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उदय तिथि में विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर को बन रहा है। इस अवसर पर हम तकनीकी और औजार से जुड़ी चीज़ों की पूजा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। इसके अलावा रावण के लंका महल, श्री कृष्ण का द्वारका, कौरवों का हस्तिनापुर और पांडवों के इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इस दिन मशीन या फैक्ट्री, औजार, वाहन और तकनीकी से जुड़ा जिनका कारोबार होता है, वे खासकर इस त्यौहार को मनाते हैं। इस अवसर पर हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। यदि हम गलती करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा रुष्ट हो सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला है, विश्वकर्मा पूजा के दिन आप अपनी रोज़मर्रा की मशीन या कारोबार से जुड़ी मशीन की साफ सफाई जरूर करें और उसके बाद मशीनों को आराम दें। इस दिन भूलकर भी अपने इस्तेमाल की गई चीज़ों को दूसरों को ना दें। इस अवसर पर आप निर्धनों या ज़रूरतमंदों को दान दे सकते हैं, इससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई वाहन है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो या छोटा सा रिक्शा ही क्यों ना हो, या कोई भी यंत्र और उपकरण जिससे आपकी आजीविका चलती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते समय उनके पास औजार या कोई यंत्र रखना ना भूलें। इस दिन किसी तरह के औजार, उपकरण या दुकान से जुड़ी चीज़ें बाहर ना फेंकें। सात्विक भोजन करें, मांस और मदिरा से दूरी बनाकर रखें। आपके अंदर में काम करने वाले शिल्पकारों और मजदूरों को आराम दें। इसके अलावा यदि आपके नए घर का निर्माण हो रहा है तो उस दिन कामगारों को और मशीनों को आराम देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नई मशीन, यंत्र या गाड़ी की खरीदारी करने से बचें। इससे पहले आप इन चीज़ों की खरीदारी करके विश्वकर्मा पूजा के दिन इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन नए चीज़ों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सही मुहूर्त में पूजा करना आपके लिए फलदायी हो सकता है। पूजा के दौरान कभी भी छल, कपट और द्वेष की भावना अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। किसी दूसरे के लिए कभी भी बुरा ना सोचे, ना ही इसकी कामना करें। हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के भी अच्छे की कामना करें। आप इस बार विश्वकर्मा पूजा कैसे मना रहे हैं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।